बहुत चिंका। अरे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। मी एवढा ठेचा खाल्ला, असा गचाक करून खाल्ला। मैंने भी कुछ ज्यादा ही किया, थोड़ा सा लेना चाहिए था, बहुत सारा लिया मैंने। कोंकण का सबसे फेवरेट फ्रूट जैक फ्रूट, उसे लगता है कि कुछ मटन खा रहे हैं। मजा आ गया। एक मुंबई कर और महाराष्ट्र होने के नाते मेरी ये शिकायत हमेशा रही है कि मुझे घर जैसा सिंपल, सरल, साधारण महाराष्ट्र खाना कहीं नहीं मिलता। मैं बम्बई में रहता हूँ, महाराष्ट्र है ये, लेकिन महाराष्ट्र खाना नहीं मिलता। अगर आप दादर आओगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही ऐसी जगह है जिसका नाम है प्रकाश शाकाहारी उपहार केंद्र। वहाँ घर जैसा महाराष्ट्र खाना मिलता है। तो क्योंकि हम श्रावण के महीने में वेजिटेरियन कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यहाँ आए प्रकाश में थोड़ा घर का महाराष्ट्रियन शाकाहारी खाना हो जाए। तो आइए मेरे साथ जाते हैं प्रकाश, वहाँ खाते हैं थाली, महाराष्ट्रियन थाली, घर जैसी थाली, और पूछते हैं कि खाने में क्या है। वैसे तो प्रकाश शाकाहारी उपहार केंद्र अपने ब्रेकफास्ट और स्नैक्स के लिए काफ़ी मशहूर है, जैसे उनका साबूदाना वड़ा, थाली, पीठ, मिसल। लेकिन मैंने कहा था आपको कि मुझे महाराष्ट्रियन खाना खाना है, असली मराठी, मराठी मोल जो कहते हैं, खाना खाना है। तो मैं आज थाली खाने वाला हूँ, और थाली के साथ तीन चार सब्जियाँ भी हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि मेरे प्लेट में क्या है, मैं प्रकाश के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। प्रकाश जो है जोगलेकर फैमिली रन करते हैं। जोगलेकर फैमिली का घर का खाना यानी ब्राह्मणी खाना यहाँ मिलता है। ज़्यादा करके अगर आप महाराष्ट्रीय खाना खाने जाओ तो मालवणी, मसालेदार खाना मिलता है, लेकिन यहाँ का जो खाना है ना, वो थोड़ा सा कम मसाले वाला है, थोड़ा सा मीठा है, क्योंकि हर 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 खाने में थोड़ी सी शक्कर जाती है। और एक इसका एवरेज जो वातावरण है वो एक प्योर और स्वादिष्ट वातावरण है। आप देखोगे तो ये स्पॉटलेसली क्लीन जगह है। इनके जो सर्वर्स है, वेटर्स है, वो भी महाराष्ट्र स्टाइल टोपी और पजामा पहन के सर्व कर रहे हैं। और यहाँ खाते समय एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। तो मुझे सुकून तो हमेशा खाना देख के ही मिलता है, लेकिन मेरे सामने क्या है मैं बताता हूँ आपको। पहले तो ये मराठी थाली है, या जो मराठी में कहते हैं ताट। ताट यानी ताट। इसमें बेसिक महाराष्ट्रीयन खाना है। बेसिक महाराष्ट्रीयन खाना क्या होता है? वरण भात, भात यानी राइस। वरण एक दाल होती है जो तुअर के दाल से बनती है, उसमें कुछ रह जाता, थोड़ा सा हिंग, थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी हल्दी और कुछ नहीं, सिंपल। ये उसल है, ये आलू की सब्जी है, अचार, थोड़ा सा दही, ये सैलड है, और गुलाब जामुन मीठा थोड़ा सा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ सब यहाँ हो रही है। यहाँ से शुरुआत करूँ तो ये महाराष्ट्र स्टाइल पिठलं है। पिठलं जिसके साथ है चावल की भाकरी। ये ठेचा जो है वो स्पाइसी है, और एक बड़ा सा प्याज का टुकड़ा। पूरियाँ हैं, पूरियों के साथ तीन टाइप की सब्जियाँ हैं। ये है कथल की सब्जी, देखिए, और महाराष्ट्र ब्राह्मणी स्टाइल में इसमें भी पीनट्स यानी मूंगफली डाली हुई है। ये है डाळिंबी उसळ। डाळिंब यानी वाल, वाल एक किस्म का लेंटिल होता है, पल्स होता है। देखिए वाली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा रहता है और बहुत स्वादिष्ट रहता है। ये है वाल, और ये है एक पत्तल
रसाची मिक्स वेजिटेबल भाजी, कुरमा जिसे कहते हैं। इसमें अलग अलग वेजिटेबल्स हैं, कॉलीफ्लावर है, पटेटो है, गाजर है, टमाटो है, सब कुछ है इसमें। शुरुआत करें तो मैं शुरुआत करने वाला हूँ, और चपाती भी है और पापड़ भी है, ओके, लेकिन मैं शुरुआत करने वाला हूँ इस चावल से, क्योंकि मुझे वरण भात बहुत पसंद है। वरण भात जैसी सिंप्लिसिटी। अभी ये जो चावल आप देख रहे हो ना, वो बासमती जैसा नहीं है, ये लोकल महाराष्ट्र कोलम राइस है, ओके। इस पे जाता है ये वरण। वरण को मैं थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, मिक्स कर रहा हूँ, या मराठी में कहते हैं ढवळतोय तो मी ह्याला, क्योंकि इसके जो दाने हैं और पानी एक साथ है। और ये जाएगा मेरे चावल के ऊपर ऐसे। ये जो कहते हैं कंफर्ट फूड, महाराष्ट्रियन किसी भी महाराष्ट्रियन का कंफर्ट फूड होता है वरण भात। और पहले तो मैं ऐसे ही वरण भात खाता हूँ, फिर सब्जियों के साथ खाऊंगा। मैं बताऊं, ये वरण भात का ग्रेटनेस जो है वो उसके सिंप्लिसिटी में है। कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ी हल्दी, नमक और हिंग। इफ यू डोंट माइंड, उंगलियां यूज कर रहा हूं, ओके, यू डोंट माइंड ना। ये मटकी वगैरह है, थोड़ा सा अचार, ये आलू की सब्जी, मजा आ गया। चलो अब पूरी के साथ खाएंगे पहले फणसाची भाजी। फणस यानी जैकफ्रूट या कटहल, कटहल जो भी कहते हैं उसे, हम तो फणस ही कहेंगे उसे। जैसे मैंने कहा, ये खाना ज्यादा तीखा नहीं है, लेकिन इनमें बहुत बहुत सटल टेस्ट है, सटल फ्लेवर्स है। कोंकण का सबसे फेवरेट फ्रूट जैकफ्रूट, फणस, बहुत अच्छा है। थोड़े मसाले, पीनट्स यानी सेंगदाना, मस्टर्ड सीड, जीरा, कड़ी पत्ता, बस। जो जैकफ्रूट इटसेल्फ है, उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा फाइब्रस है, उसे लगता है कि कुछ मटन खा रहे हैं। डाळिंबी उसळ यानी वाल जो कहते हैं ना, वाल। मुझे सब्जियों से ज्यादा वाल, सवड़ी, मूंग, ये ज्यादा पसंद है। बहुत अच्छा। और ये मिक्स वेजिटेबल या कुरमा, ऐसा लगता है कि खुद माँ के हाथ का खाना है, या किसी महाराष्ट्र दोस्त के घर जाकर आप खाना खा रहे हो, होटल का लगता ही नहीं है।
और आखिर में जो महाराष्ट्र का फेवरेट है पिठलं भाकरी। और पिठलं क्या होता है? पिठलं भी ऐसी बेसन दाल का ही बनता है, थोड़ा जाड़ा, कभी कभी तीखा हो सकता है ये पिठलं, और इसे भाकरी के साथ खाते हैं जो चावल के आटे से बनी हुई है। लेकिन ये खाने का एक तरीका है, तो ये पिठलं है, पहले तो यहाँ से ठेचा लेते हैं जो सिर्फ हरी मिर्चियों से बना हुआ है। मुझे होटल वालों ने कहा है कि ये ज़्यादा खाओ मत क्योंकि बहुत तीखा है, क्या कहते हैं उसे, फैंटास्टिक है और बहुत फियर्स है। मैं तो अभी देखता हूँ, जो होना है सो हो जाएगा। ओहो हो, बहुत तीखा, लेकिन मजा आ गया। नाक से पानी आ रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, बस कान से पानी आना बाकी है। लेकिन ये ठेचा, भाकरी और पिठलं, मैं गुलाब जामुन फटाफट खा रहा हूँ क्योंकि मीठे की बहुत जरूरत है। ये सब खा के मुझे मन की शांति मिल गई है, क्योंकि ये जो मैं ढूंढ रहा था इतने दिनों से कि एक सर्वसाधारण घर जैसा महाराष्ट्र मील अगर कहीं मुझे मिलता है तो बस यही मिलता है दादर में, जो एक महाराष्ट्र का स्ट्रांग होल्ड है, प्रकाश में, जो यहाँ 50 साल से यही खाना पकाते आया है। तो अगर आपको ये सब खाना अच्छा लगा तो पहली बात ये है कि आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपको और खाना दिखा सकता हूँ, सिर्फ बम्बई में नहीं, ट्रैवल करके भी दिखाऊंगा, अलग अलग जगह जाएंगे, अलग अलग खाना खाएंगे, साथ में मैं जाऊंगा, आप खाएंगे, क्यों? तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आते रहिए, खाते रहिए, और पूछते रहिए कि खाने में क्या है। बहुत टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है साहब, और मस्त होता ठेचा, ठेचा स्वाद, वेरी नाइस, अप्रतिम।